उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार के अंतर्गत नंदनगरी आईटीआई के सामने हनुमान पार्क के मुख्य द्वार पर पीडब्ल्यूडी द्वारा किसी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, जिसके चलते लगभग 20 मीटर और लगभग 12 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें नाली का पानी एवं बरसात के पानी से गड्ढा लबालब भरा गया था। बीती रात अंधेरे में वहाँ से गुजरने वाले एक ऑटो चालक की उस गड्ढे में गिरने के कारण मौत हो गई। जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर लगभग 2 घंटे की देरी से पहुंची। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि स्थानीय निवासी ये बात बता रहे हैं। पहले तो यही विवाद रहा कि थाना अर्ज बिहार लगता है या फिर नंदनगरी। उसके बाद जैसे जैसे पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के कर्मचारी भी मौके पर पहुँच गए। क्राइम टीम ने एविडेंस जमा कर उस गड्ढे से ऑटो चालक को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जीटीबी अस्पताल में भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। ये हनुमान पार्क के सामने गड्ढा खुदा हुआ है, 5-6 फुट का है कम से कम। ये पहले भी इसमें हादसा हो चुका है, ब्रेकिंग लगे थे वो भी हटा देते हैं ये लोग, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज क्या हादसा हुआ? आज कोई सीधे बदलाव था, वो उसके अंदर नीचे लाश पड़ी हुई थी उसकी। वो एक घंटे में तो ये पुलिस ही आई है, वो कब का फोन करा हुआ था इन्होंने, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पहले हटाया था जब भी इसके अंदर बंदा गिरा था, जब भी उसकी हालत खराब थी, और अब की तो खत्म ही हो गया। ऑटो फंस चुका है, ऑटो में जो लड़का था वो नीचे नाले में गिर के मर गया। हाँ, ये प्रशासन की गलती है ना, यहाँ पे कोई वर्कर है ना कोई है, जिसका ये खुला हुआ वो खड़ा होके यहाँ पे देखे और कुछ भी तो बोले कोई नहीं बोल के राजी। यहाँ पे ब्रैकेट भी हटा रखते हैं, यहाँ पे ये सब नाले वाले सब खुदे हुए हैं, यहाँ पे पूरे में पानी भरा रहता है, निकलने की जरा सी भी जगह नहीं है। सर, ये हनुमान पार्क के नजदीक है और ये आईटीआई मंडोली लगती है और यहाँ पर ये 1.5 महीने से गड्ढा खुदा हुआ है या 2 हाथ से पहले हो चुके हैं। आज एक ऑटो ड्राइवर जो है, पता नहीं नशे में था क्या था क्या नहीं था, वो बेचारा वो गया और गाड़ी के नीचे एकदम गाड़ी के नीचे अपना नृत्य पाया गया। वो अब देखो इसमें क्या कहा जा सकता है, परेशानी की लापरवाही या कहा जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसने गड्ढा इसने बड़े गहरे गड्ढे क्यों खोद रखे हैं ये, या तो इसने बैरिकेड लगाने चाहिए थे इसके अंदर ताकि कोई बंदा आगे ना जा सके। ये खुले भी क्यों थे? जैसे कहा कि कोई दीवा बंदा कोई अगर नशे में आ भी रहा है, अगर वो वहाँ बैरिकेड लगे होते तो आगे ना पहुंच पाता, ये हादसा ना गुजरता। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211 4783 12, 9211 4183 12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।